केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम योगी। 45 मिनट तक चली सीएम योगी और गडकरी की मुलाकात। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे सीएम योगी। आज फिर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल गठन पर मंथन संभव। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी केंद्रीय नेतृत्व से चलेगा मुलाकातों का दौर। कल भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे योगी आदित्यनाथ। नई सरकार के गठन पर हुआ मंथन। करीब 2.25 घंटे हुई बात। प्रधानमंत्री ने दी यूपी की जीत की बधाई। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ की नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम पर भी हुआ था मंथन। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया न्योता। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ आने का दिया निमंत्रण। योगी के साथ 55 से 60 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 3 डिप्टी सीएम के साथ 8 से 10 मंत्रियों को मिल सकता है स्वतंत्र प्रभार। नए चेहरे के साथ मंत्रिमंडल ने 22 से 25 विधायकों को कैबिनेट में जगह। यूपी में बीजेपी ने शुरू की चुनाव नतीजों की समीक्षा। सभी जिलों में मांगी चुनाव में गड़बड़ी करवाने वालों की सूची। भीतरघातियों पर कार्रवाई करने की तैयारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी। करहल से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव करहल सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होगा उपचुनाव। सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। योगी की नई सरकार में सहयोगी दलों को शामिल करने का फॉर्मूला तय। 1+1 की तर्ज पर सहयोगी दलों को मिलेगी जगह। यूपी में 1+1 के फॉर्मूले पर एक मंत्री एक एमओएस पद मिलने की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अपना दल से आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। होली के बाद यूपी में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 21 मार्च को दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह का होगा लाइव प्रसारण। हर जिले में एलईडी लगाकर होगा शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण। प्रयागराज में एआईएमएम नेता ने समाजवादी पार्टी को बताया धोखेबाज। धमकी देते हुए कहा मुस्लिम बस्तियों में दिखे सपा नेता तो खाएंगे मार। हरदोई में बीएसपी के जिला मंत्री ने लगाए टिकट के नाम पर पैसे लेने के आरोप। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रामकुमार कुरील से वापस मांगे 20 लाख रुपए। हिंदू महासभा ने की देवबंद का नाम बदलने की मांग। दारुल उलेम पर लगा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानपुर में कैंट से बीएसपी प्रत्याशी रहे पप्पू बाली पर कार्रवाई। मोहम्मद सफी उर्फ पप्पू बाली समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट लगा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से की मुलाकात। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार दिखे साथ। अखिलेश ने लिया नेताजी का आशीर्वाद। चुनाव के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे नेताजी। कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। चाचा शिवपाल को पक्षी नेता की कमान दे सकते हैं अखिलेश। जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव में स्थानीय नेताओं को मौका देगी बीजेपी। 15 से 22 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मथुरा में दिखी रंगभरमी एकादशी की धूम। मंदिरों में बरस रहे राधा कृष्ण के होली के पावन रंग। पंचकोशीय परिक्रमा में भी जमकर उड़ रहा अबीर गुलाल। मथुरा में होली के रंग में सराबोर है श्रद्धालु। अबीर गुलाल में रंग होकर खुशी में कर रहे हैं डांस। प्रयागराज के मुख्य बाजार समेत शहर के सभी बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना। अमरोहा में सपा से प्रत्याशी रहे मुखिया गुर्जर के विवादित बोल। कहा यदि प्रशासन ने मेरे कार्यकर्ताओं को सताया तो मैं थानों पर चढ़ाई कर दूंगा। बांदा पुलिस को बकरियों का पता लगाने का आदेश। इलाके से दिनदहाड़े एक दर्जन बकरियां चोरी होने का मामला। नोएडा में बिल्डरों की संपत्ति की डीएम करेंगे ई नीलामी। इसी महीने कुर्क 380 करोड़ संपत्ति की होगी ई नीलामी। उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा जनता ने ऐसे लोगों को दिया जवाब। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का ओपी राजभर पर बड़ा हमला। बोली हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते हैं ओपी राजभर। मुझ पर भी दिए अभद्र बयान। ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा मायावती ने वोट काटने की राजनीति। सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। संभल के युवक ने चुनावी नतीजे आने के बाद फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक पोस्ट। ग्रेटर नोएडा में बिजली कनेक्शन गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। दोषी पाए गए तत्कालीन अधिशासी अभियंता सस्पेंड। एसटीओ को बर्खास्त। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सैलरी रोकी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश अरेस्ट। संबल एनकाउंटर के बाद एक पशु तस्कर। तो गोंडा में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। दागी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लेकर एक्शन में योगी सरकार। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर होगी छटनी। पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करने के आदेश जारी।
जौनपुर में स्कूल गाड़ी और पिकअप की जोरदार टक्कर, दो चालक समेत चार बच्चे हुए घायल। वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा। कानपुर में युवक को खुलेआम लाठियों से पीटने का वीडियो हो रहा वायरल, युवक को बचाने पहुंची महिला से भी दबंगों ने की अभद्रता। चित्रकूट नाबालिग लड़के का शव मिलने से हंगामा, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल, किया पथराव। एक डिब्बे में मिला था नाबालिग लड़के का शव, चार दिन पहले लापता हुआ था बच्चा। गाजियाबाद में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश, बाजार पहुंची महिला को बाइक पर लिफ्ट देकर अपहरण और रेप का प्रयास, पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। कानपुर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट टीवी बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन लोग हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेजा। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने पहुंचेंगे कांग्रेस के उपेक्षित कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव ने दी जानकारी। सहारनपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया पुजारी की हत्या का खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बीते दिन कुल्हाड़ी से वार कर की गई थी पुजारी की निर्मम हत्या। अमरोहा में घर में सो रही महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा टला, रोडवेज बस चालक को दौरा पड़ने से बस का बिगड़ा संतुलन, बस सवार यात्री बाल बाल बचे। अलीगढ़ में अराजक तत्वों द्वारा दिया गया माहौल बिगाड़ने का प्रयास, मंदिर में भी तोड़फोड़, बाबा साहेब की प्रतिमा को भी खंडित किया गया, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बरेली में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत, बिजली के खंभे के पास खड़े होकर कर रहा था फोन पर बात। पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए ग्रेटर नोएडा के निराला स्टेट में हुआ हवन, पर्यावरण प्रेमियों ने हवन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण में एटीएम मशीन तोड़कर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत तीन अभियुक्त गिरफ्तार। अमरोहा में एक महिला ने तीन बच्चों को दिया जन्म, हॉस्पिटल प्रशासन ने तीनों बच्चों और मां के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड में सीएम अब फेस पर, बोले बीजेपी विधायक दिलीप रावत, पार्टी आलाकमान का जो भी आदेश होगा वो मंजूर होगा, पार्टी तय करेगी अगला स्टेप। आरआईएमसी के 100वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का हरक सिंह रावत पर हमला, बोले इस बार उन पर पानी डाल दिया गया, चुनाव में लैंसलॉन से हरक रावत की बहू को दिलीप रावत ने दी है मार। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा, मौके से 10 अवैध तमंचे बरामद। उत्तरकाशी में गुलदार के हमलों से दहशत में लोग, गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की हुई मौत, घटना के बाद वन विभाग की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश। नादेही जशपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा, मौके से 10 अवैध तमंचे बरामद। खटीमा में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को हराने वाले पार्टी के भीतरघातियों पर बड़ी कार्रवाई। देहरादून में हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुई आपसी रार, गणेश कोंदियाल और हरीश रावत ने ली हार की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में दुकानों में हुई चोरियों का खुलासा, 50,000 के नकद के साथ फोन बरामद। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सोनिया गांधी के पास ही रहेगी कांग्रेस की कमान, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार पर हुआ महामंथन, अशोक गहलोत ने कहा केवल राहुल कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत पर आज आएगा फैसला, 3 मार्च को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। भोपाल से 4 बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार, देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे चारों का जमात उल मुजाहिदीन से संपर्क। मुंबई में पकड़ी गई नकली डायबिटीज टेस्टिंग किट, एक आरोपी गिरफ्तार, थोक बाजारों में खपाता था डायबिटीज टेस्टिंग किट। प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर आया झूठ सामने, पाकिस्तान में 150 तो भारत में 220 रुपए प्रति लीटर बताया पेट्रोल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया अवतार लॉन्च, 800 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन होगा तबाह। आज भारत श्रीलंका टेस्ट का तीसरा दिन, भारत जीत से 9 विकेट दूर, श्रीलंका को 419 रनों की दरकार। अमेरिका और चीन के बीच आज बड़ी बैठक, रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा संभव। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हम जीतेंगे जंग, रविवार को कवरेज के दौरान अमेरिकी पत्रकार की मौत।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने तीनों तरफ से घेरा। कीव के आसपास के इलाकों में रूस की जबरदस्त बमबारी। कीव में हमले का अलर्ट लगातार जारी। सारण बजाकर लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। लोगों को बंकरों में रहने की सलाह। नई मोर्चेबंदी पर रूस ने कीव पर बढ़ाए हमले। रूसी सेना कीव के सेंटर पॉइंट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के इरादे से रूस ने की भयंकर बमबारी। हर तरफ महताबी के निशान। कीव पर कब्जे की रूस ने की जोरदार तैयारी। रूसी सैनिकों ने कई इलाकों में मचाई तबाही। भूखा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। रूसी सैनिकों ने कीव में फूड सर्विस सेंटर को बनाया निशाना। मिसाइल और रॉकेट हमले के कीव का सबसे बड़ा फूड सेंटर हुआ तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वीडियो में रूसी ड्रोन एयर स्ट्राइक की ताकत दिखाई। यूक्रेन के इरपिन में गोलीबारी जारी। रूस की एयर स्ट्राइक के बीच इरपिन शहर छोड़कर भागने को लोग मजबूर। रूस के हमले में यूक्रेन के मारियूपोल में भारी तबाही। रिहायशी इलाकों में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी हमलों के बीच कई लोग घरों में फंसे। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले। रूसी सेना ने माइक्रोलेव में एक स्कूल पर बम बरसाए। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। दोनेत्स्क के ज्यादातर हिस्से रूस के कब्जे में। वोल्नोवाखा में रूस के हमले के बाद की तस्वीर। यूक्रेन की सेना की गाड़ियां खाक। तस्वीरों में देखे यूक्रेन के ध्वस्त हुए सैन्य उपकरण। यूक्रेन के चर्निहिव की तबाही के बाद की तस्वीर। हमले के बाद इमारत में लगी आग। जलती हुई इमारत से फायर फाइटर्स ने लोगों को किया रेस्क्यू। यूक्रेन के इवानो पेट्रोव्स्क में हवाई हमले का अलर्ट। लोगों को अलर्ट रहने के लिए बच रहे सारण। स्थानीय लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो। वीडियो में दिख रही यूक्रेन सेना की तैयारी। यूक्रेन ने कहा हम रूस को हरा देंगे। जीत यूक्रेन की ही होगी। यूक्रेन के मारियूपोल में जबरदस्त हमले। रूस ने एक साथ कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल अटैक से थर्राया पूरा शहर। रूस ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास नाटो ट्रेनिंग सेंटर को बनाया निशाना। रूसी ने दागे 30 मिसाइल। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशाना। स्लाविंस्क से क्रासनी लिमान को जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त। वीडियो में दिखे यूक्रेनी सेना के नष्ट हुए सैन्य वाहन। खेरसांग में तबाही की तस्वीर आई सामने। सड़कों पर दिखी यूक्रेनी सेना की जली हुई गाड़ियां। यूक्रेन सेना के गोला बारूद भी दिखे। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच आज फिर से बातचीत। दोनों देशों के बीच आज चौथे दौर की वार्ता। रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। दोनों पक्षों ने बातचीत से सकारात्मक नतीजे आने की जताई उम्मीद। बेलारूस में हुई पिछली तीनों दौर की बैठक रही बेनतीजा। जेलेंस्की के सरेंडर करने पर अड़े हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन रूस में जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाल सैनिकों से की मुलाकात। कहा दोस्ती जल्दी ठीक हो जाए। जेलेंस्की ने खाल सैनिकों का बढ़ाया मनोबल। बोले आपके लिए सबसे अच्छा उपहार हमारी जीत होगी। जेलेंस्की ने इसराइल के मध्यस्थता के प्रयासों का किया स्वागत। कहा पुतिन से यरूशलम में बातचीत को तैयार। जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा रूस के पास ढेरों हथियार तो हैं लेकिन हमें हराने की ताकत और साहस नहीं। रूस को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आज अमेरिका और चीन के बीच बड़ी बैठक। रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सोल्वेन और चीनी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार यांग जिंगकी के बीच बात। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा। अमेरिका के चीन को दी खुली धमकी। रूस की मदद करने पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रतिबंध को दी धमकी।